अब हम तैयारी करेंगे, स्प्रिंग सीजन आ रहा है हमारा, तो हमें बागवानों वालों भाइयों को हमारी ये मैसेज मिलेगी कि पहले तो देखना है कि अगर किसी में बाग में अभी कटाई का अमल पूरा नहीं हुआ है तो इस वक्त मौका है, वो अपनी कटाई का अमल पूरा कर सकते हैं, बशर्ते उसके जो वो टाइम ड्यूरेशन वो रहेगा कि उसके जो अंकुर हैं अभी वो फूटे ना हो, तो उससे पहले पहले वो कटाई का अमल पूरा करें। और दूसरी बात रही, अगर किसी बाग में आपको लग रहा है कि अभी भी वो जैसे उसमें लाइकेंस लगे हैं, तो उसमें कास्टिक सोडा का एप्लीकेशन देकर वो उसमें से हटा सकते हैं। और उसके बाद हमारे बागवान भाइयों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो अगला सीज़न आ रहा है हमारा, अब हमें जो डीजल ऑयल स्प्रेज करते हैं उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और अभी से हमें बागवान भाइयों को अपने बाग में जाकर कोई अगर रह गया है प्लांट, जो कोई डिजीज्ड है, अनप्रोन रह गया है, उनको पूरा करके अपना ऑपरेशंस क्लियर करें, ताकि जो हमारे स्प्रेज हों, जैसे कि अब हम डीजल स्प्रे करें, वो उसके लिए हमारा बाग तैयार है। और साथ ही साथ में जो नर्सरी के साथ काम करते हैं उनसे ये इस्तेदा है कि अब हमारा प्लांटिंग सीज़न भी आ रहा है। कुछ लोग तो दिसंबर, नवंबर दिसंबर में प्लांटिंग करते हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोग मार्च के महीने में प्लांटिंग करते हैं। को अगर किसी को इसमें से नया ऑर्चर्ड बनाना हो तो उसके लिए वो अभी से तैयारी करना शुरू करें, वो जुड़ जाएं, और उसको अगर ज़मीन में कुछ उसका देखना है क्या पिट्स कहाँ लगाने हैं, डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो अभी से डिज़ाइनिंग का अमल शुरू कर सकते हैं। हाँ, रही बात अब प्लांट्स की, और सबसे बड़ी बात है अगर कोई नया बाग बनाना है उसके लिए सबसे अहम बात है पौधों का इंतखाब करना, और उसके लिए उसे अपनी कोई चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या ज़रई यूनिवर्सिटी हो या कृषि विज्ञान केंद्रास हो या रजिस्टर्ड जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड नर्सरी हैं उनसे अभी से रबता काम करना चाहिए। और साथ साथ में प्लांटिंग मटेरियल जो लाए उसमें वो पहले से ही इंतखाब करें, क्या उसे हाई डेंसिटी के लिए ऑर्चर्ड में जाना है या कन्वेंशनल ऑर्चर्ड के लिए जाना है, और उसी हिसाब से वो वैराइटीज़ का इंतखाब करें। और साथ में ये ध्यान रहें कि उसमें पॉलिनाइजर के जो पौधे हैं वो साथ में ले जाएं, ताकि पॉलिनाइजर रेशो मेंटेन रहे, क्योंकि ये अमल जो नए बाग में है अगर पहले से ही उसमें पॉलिनाइजर का रेशो बरकरार रहे तो वो बाग हमें बाज़ाब्ता फले फूलेगा और हमेशा